विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाथी महोत्सव का आगाज किया गया। इस दौरान कोविड-19 को ध्यान में रखकर उक्त कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हाथियों को नहलाकर उन्हें अनेकों प्रकार के पकवान खिलाए गए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आज हाथी महोत्सव का आयोजन कर 15 हाथियों की मालिश करते हुए उन्हें फल से लेकर सुंदर व्यंजन खिलाए गए। इस दौरान खास बात यह रही कि बीते दिनों पालतू हाथी के पैरों के नीचे दबकर एक महावत की मौत हो गई थी, जिसकी पत्नी ने इस हाथी महोत्सव का शुभारंभ करवाया। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए सीमित लोगों के साथ आज से 7 दिवस तक हाथियों की सेवा की जाएगी। इस दौरान सुबह से हाथियों को नहलाकर मालिश कर उन्हें रोटियां, नारियल, केले सहित गुड़ और नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। हाथियों को इस महोत्सव में 7 दिवस तक किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया जाता और वह आराम फरमाते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि जो हाथी हमारे साथ साल भर ट्रैकिंग में या अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, उनको एक सप्ताह के लिए पूरी तरह से आराम दिया जाता है। उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है, उनको नहला धुला के तेल लगा के उनकी मालिश करने के पश्चात उनको फल और अन्य जो उनके पसंदीदा सामग्री हैं भोजने खाने के लिए वो उनको दी जाती है और पूरी तरह से हम लोग उनको किसी भी कार्य से मुक्त रखते हैं, तो इससे वो तरोताज़ा हो जाते हैं और आगामी सीज़न के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। इस वर्ष जो कोविड-19 के चलते जो परिस्थितियां हैं उसके तहत हम लोगों ने बहुत वृहद स्तर पर इसका आयोजन नहीं किया है। पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रतिदिन जो था अलग अलग जो हमारे हितधारक जुड़े हुए हैं हम लोगों से उनके लिए एक दिन रखा था। एक दिन जिप्सी यूनियन वाले आए, एक दिन स्थानीय ग्रामीण आए, एक दिन मीडिया के हमारे भाई लोग आए, इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग लोग आए थे और उन्होंने हाथी महोत्सव का आनंद लिया था। लेकिन कोविड-19 के चलते हम लोगों ने बहुत अधिक भीड़ भाड़ ना हो और सावधानियाँ बरतते हुए इस बार बहुत सीमित गतिविधियाँ इसमें रखी हैं जहाँ तक पब्लिक पार्टिसिपेशन का सवाल है। एक विशेष जो बात रही इस बार के हमारे हाथी महोत्सव में कि गत वर्ष हमारे एक महावत साथी थे श्री रवि बैगा, उनकी मृत्यु जो थी एक हाथी के द्वारा हो गई थी, तो उनकी धर्मपत्नी के द्वारा हम लोगों ने इस हाथी महोत्सव का शुभारम्भ इस बार पीता काट के करवाया। केशकली बाई के द्वारा इस बार हाथी महोत्सव का प्रारंभ किया गया, उन्हीं के द्वारा पूजा अर्चना की गई और सबसे पहले हाथियों को सबसे पहले उन्होंने ही भोजन दिया आज। इसके अतिरिक्त एक नई चीज़ हम लोग इस हाथी महोत्सव के दौरान करना चाह रहे हैं, जो अगले एक दो दिन में हम लोग जिसके बारे में अपने सभी जो हमारे बांधवगढ़ से नाता रखने वाले चाहने वाले लोग हैं उनके सामने लेकर आ रहे हैं कि हम लोग हाथियों को अडॉप्ट करने के लिए एक योजना बनाए हैं कि हाथियों के जो भोजन पे, जो रखरखाव पे, दवाइयों पे जो खर्चा आता है उसके लिए हम लोग सभी हाथियों के लिए, हमारे यहाँ 15 हाथी आज की डेट में हैं, उन सब के लिए हम लोगों ने एक राशि निर्धारित की है कि अगर आप प्रतिदिन एक दिन के लिए सपोर्ट करना चाहें उसको तो कितनी राशि आप दे सकते हैं, एक महीने भर के लिए देना चाहें या साल भर के लिए देना चाहते हैं, तो हम ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी होंगे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स होंगे उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे और जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स होंगी उसमें उनके नाम का उल्लेख करेंगे। तो एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ करना चाह रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उमरिया से राजा तिवारी की रिपोर्ट।